बैक टू हनी एंड टेक। स्वागत है आपका हनी एंड टेक में और एक नए वीडियो में। आप सब लोग ने कीबोर्ड तो देखा ही होगा, लैपटॉप का जो कीबोर्ड है, आपका जो कीपैड है वो क्यों ए बी सी डी ई एफ जी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्यों आपका जो लैपटॉप है वो है क्यू डब्ल्यू ई आर एस टी वाई, आपके जो कीपैड है वो क्वार्टी कीपैड क्यों रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों क्वार्टी कीबोर्ड है, क्यों आपका जो कीपैड है वो ए बी सी डी से नहीं है लेकिन क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई से है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये कन्फ्यूजन क्लियर करूँगी, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी हिस्ट्री ऑफ द कीपैड और क्यों क्वार्टी कीपैड लॉन्च हुआ और क्या इश्यूज आ रहे थे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों आपका कीपैड ए बी सी डी से ना होके क्वार्टी कीपैड है। हाय दैट, दिस इज हनीशा वर्मा, मैं लेके आई हूँ आज और एक नया वीडियो, जहाँ पर टेक्निकल वर्ल्ड से रिलेटेड, टेक्निकल वर्ल्ड में जो भी चेंजेस होते हैं वो मैं मेरे चैनल के थ्रू लेके आती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि जो आपके लैपटॉप के या कंप्यूटर के या मोबाइल के जो कीपैड है वो क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई से क्यू है। क्या था सबसे पहला जो कीपैड था वो ए बी सी डी से ही आया था, लेकिन ए बी सी डी से जब भी कोई टाइप करता तो जब भी किसी को आदत हो जाती है, तो आदत होने की वजह से लोगों की स्पीड बढ़ गई थी, और स्पीड बढ़ने की वजह से अगर आप वर्ड्स लाइक आई एन, आई और एन अगर वो स्पीड में प्रेस करते हैं तो उसकी जो कीपैड की जो कीज थी वो जैम हो जाते थे, और जैम हो जाने की वजह से जो डेटा है, जो आउटपुट आता था वो सही नहीं आता था। इसीलिए क्रिस्टोफर नाम के पर्सन ने 1860 में क्वार्टी कीबोर्ड का लॉन्च किया, जहाँ पर रेंडमली वर्ड्स जो रेगुलर यूज़ होते हैं, जो रेगुलर जो भी वर्ड्स यूज होते हैं उन वर्ड्स को उसको दूर दूर कर दिया, और जिससे अगर आपकी स्पीड बढ़ती भी है आपकी टाइप करने की, तो भी जो कीपैड है, जो कीपैड है आप जो वर्ड्स टाइप कर रहे हो वो सामने टाइप करने से, फास्ट टाइप करने से जैम ना हो। तो इसीलिए क्वार्टी कीपैड का लॉन्च हुआ। उसके बाद काफ़ी लोगों ने ट्राई किया कि ए बी सी डी से ही करो, क्योंकि ए बी सी डी जो रेगुलर जिस ऑर्डर में है, लेकिन यही चैलेंज आ रहा था कि कीपैड जो है वो जैम हो रहा था, और इसीलिए क्वार्टी कीपैड का लॉन्च हुआ। इससे क्या हुआ, जिस तरह से लोगों को ए बी सी डी की आदत थी उसी तरह से लोगों को क्वार्टी कीपैड की आदत हो गई, और आज 40, 50, 60 की स्पीड में भी लोग टाइप कर पाते। तो ये था हिस्ट्री ऑफ कीपैड, जहाँ पर क्वार्टी कीपैड का लॉन्च हुआ। इसका बेसिक रीज़न यही था कि लोगों की स्पीड बढ़ने की वजह से कीपैड जो कीज थी वो जैम हो रही थी, और उसकी वजह से टाइपिंग की जो रिजल्ट है वो सही नहीं आ रही थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि क्यों आपके जो कीपैड की जो कीज़ है वो साथ में नहीं है, ए बी सी डी नहीं है। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि क्यों उनके कीपैड की कीज़ ए बी सी डी नहीं है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई फॉर्म में है।